184 sections है इतना है 185 I'll tell you what are the taxes that you will be studying. So I'll tell you somebody में किसी एक को pick करके ऐसे बता देता हूँ मैं. You know you have to study those. But these are conventional installations. In 1954 or 55 there was one satellite जो पहला solar cell space में लेके गया. It was a 1 watt solar cell and that was working very fine. So उसके बाद धीरे-धीरे और भी installations हुए. जो भी satellite communication आज के date में हो रहे हैं सब solar के through ही होते हैं. Now, yes, now coming back to this, in the 1975, we had efficiency of around 1%, less than 1%. Now today, in labs, we have reached 36%. So these are typically the research labs that are working on the increasing, you know, increasing the efficiency. Okay, now I will tell you one company, REC Solar, REC. वो कंपनी एक टाइम पे बैंकरप्ट हो गया था उसका एक डिवीजन एंड देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस वेयर द टॉप कंपनीज ऑफ सोलर हैव गॉन बैंकरप्ट सन एडिसन सन टेरेस सब बड़े बड़े नाम ने डूबे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग टॉप कंपनीज डूब रहे हैं यहां हम बात कर रहे हैं कि सोलर ग्रो कर रहा है यहां हम बात कर रहे हैं कि इतना जॉब्स आ रहे हैं और यहां पे हम देखते हैं कि कंपनीज डूब रही हैं क्या मैं सच बोल रहा हूँ? Yes, बड़ी-बड़ी कंपनीज डूब रही हैं। Why? Because की कॉस्ट इकोनॉमिक्स जो हैं, they are not able to manage that cost economics. Okay? So whatever capital cost they have put into that manufacturing plant, by the time they achieve that break-even point, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और वो obsolete हो गई, उनका पैसा नहीं निकल पाया, debt है, क्या करना है? कंपनी को बंद करना पड़ा, या फिर bankruptcy file करना पड़ेगा। Okay, so anyways, those are also happening. Now REC, that company came back strongly and somebody should, you know, target for REC, getting into REC. All the people working there, वहाँ के जो India country head हैं, so Rohit Kumar, he's from Odisha. So typically people who are from UPES, Odisha or you know Pune, जिनसे मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता हूँ मैं लिंक्डइन पर पूरा कनेक्टेड रहता हूँ कम्युनिकेशन रखता हूँ सो समबडी शुड यू नो एम फॉर REC व्हाट REC हैज डेवलप्ड ए न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज PERC पैसिव एमिटर रियर कनेक्टर ओके सो व्हेनेवर द इंटरव्यू कम्स यू हैव टू आंसर सच थिंग्स अच्छा सर ये तो मार्केट में ऐसा है ये दिस आर सम ऑफ द अपडेटेड थिंग्स सो टुमारो वी विल हैव स्पेसिफिक डिस्कशंस ऑन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है Now we are discussing technology. I am giving you such short points. जिसको इसमें interest नहीं आ रहा, at least वो Google खोल के PERC पढ़े, REC पढ़े, Rohit Kumar को LinkedIn request भेजे. So you know, use your time well. It's just that, you know. So these are the typical labs. अब आप देख लो कि इंडिया में ऐसे कौन से lab हैं या ये हैं जो इस चीज को कर रहे हैं या फिर ये चीज इंडिया में कहाँ पे आएगा? Okay? Focus on these areas. Now. So I'll set it down here. काफी extensive चीजें हैं. Okay. Now solar thermal. Anyone having any questions as of now? Anyone want to ask any questions? Yes. So disadvantages of thin film. Disadvantages. Yes. I missed that. That is toxic in nature. That has low life. Okay. There are the only two disadvantages that you know major disadvantage. Micro level पे और भी होते हैं. Advantages क्या हैं कि high heat conditions पे काम कर सकते हैं. Low spectral irradiance. Low spectral irradiance means wavelength अगर आपको पता है 400 nanometer से 700 nanometer is our visible spectrum. हम वो रोशनी को देख सकते हैं. जो हम नहीं देख सकते वो spectrum energy को solar cells भी convert नहीं कर पाते. ओके, फिर उसको कैप्चर कर सकता है
सो इन यू नो शेडी एरियाज और यूरोपियन नेशंस में, ठीक है, वहां पे थिन फिल्म काफी एप्लीकेबल है. बट इन इंडिया इट इज क्रिस्टलाइन और यू नो पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन. पॉली और मोनो में क्या अंतर है? सिलिकॉन से अगर बनाए तो सिलिकॉन से बनाए तो सिलिकॉन एंड क्रिस्टलाइन होता है. बट अगर पहला इनगॉट को जो कट किया गया ना, दैट इज द मोनोक्रिस्टलाइन. और अगर उसको जो वेस्टेज है उसको, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, 70% वेस्टेज होता है, तो उसको फिर से रीहीट करके उसको बनाया गया, देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन. ओके, वही जो आपके हश पपीज, उसका एक फैक्ट्री था आगरा में, जब मैं सोलर एनर्जी का ट्रेनिंग के लिए गया था तो वहाँ पे वो फैक्ट्री था, उसने बुलाया था कि एनर्जी एफिशिएंसी और सोलर के काम में. आज दिन क्या, अच्छा ये शूज़ के ना, ये हश पपीज पे जाते हैं, 9000 रुपये का इसका कॉस्ट है. अच्छा, क्या बात है. तो ये वाला बोले कि ये 6000 का, मतलब डिफरेंस क्या है? बोले कि ये कट पीसेस ऑफ लेदर से बना है, ये सिंगल लेदर से, सिंगल पीस लेदर से वो शूज या बैग जो बनते हैं वो हायर प्राइस होते हैं, कट पीसेस से बनते हैं वो लेसर प्राइस. सो इन इंडिया इफ यू सी मोस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन आर पॉलीक्रिस्टलाइन एंड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन इज मोर. ओके ओके, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी एप्लीकेशन अगे आपके, यस यस, ये मैं आपको बताना चाहता था. This is a typical solar water heating system. Water गया, hot water ऊपर जाएगा and it will go up. Got it? So somebody should also focus on, you know, solar water heating companies. आपके कौन है placement representative? What's your name? Hardik. Hardik. अच्छा. Are you related to Hardik Pandya? Yes, you are. आपका नाम सेम है. हार्दिक, सोलर हीटर वाटर हीटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जितनी भी कंपनीज हैं, तो अच्छे खासे कंपनीज हैं. सो राकोल्ड बोल के बहुत ही बड़े कंपनी है, वो भी बनाती है. देयर आर मेनी कंपनीज, सो इनवाइट देम फॉर प्लेसमेंट. ओके, सो इफ यू फाइंड एनी कॉमन कनेक्शन ऑन लिंक्डइन लेट मी नो, आई विल कनेक्ट टू देम. एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्या है कि सनशॉट के नाम से एक और सोलर वाटर हीटिंग कंपनी भी है. And Sunshot is also an initiative by Department of Energy, United States. Anyways, so Sunshot PV system EPC को बुलाना है और Sunshot water heating company को भी invite करना. Okay. So basically आपके FPC और ETC आ जाते हैं, इसके benefits, advantages हैं. I'll be sharing this slide. I'm not going into details. So, इस टाइप के इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, ऐसे टर्बी इंस्टॉलेशन हो सकते हैं. नोट डाउन द नेम्स सो दैट इन फ्यूचर यू आर ड्यूरिंग इट.